जिंदगियों को मुतासिर कर रहा है। इस बात को 200 साल गुजर चुके हैं और जब मैंने देखा तो मैंने दुआ की कि ऐ खुदावन मुझे भी ऐसी औरत बना जो तेरे लिए कुछ ऐसा काम कर सके। मैंने दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा मगर इस बात ने मुझे अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं और वो आपको मुश्किलात में से गुजारता है तो आप अपनी जिंदगी को खत्म होते हुए महसूस करेंगे क्योंकि आपके लिए उन मुश्किलात को बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। हम यूं कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप और ज़्यादा मुश्किलात नहीं चाहते, आपको दूसरे हालात का मुकाबला भी करना है, आपको खुदा की रहनुमाई में चलना ही होता है क्योंकि आपके पास और कोई इंतखाब नहीं होता।
ज्यादातर हमारे हालात ऐसे होते हैं जिनको हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते। जब आप उन हालात में से गुजर रहे होते हैं तो महसूस करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खो रहे हैं, मगर आप और किन तरीकों से अपनी जिंदगी को खोते हैं। आए हम मुनासिब वक्त की बात करते हैं। आप जो बहुत से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत ज्यादा मसरूफ भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत होती है। आपको यकीनन इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है कि जिन लोगों के पास खुदा आपको भेजता है उनको आपकी मदद की जरूरत है और आप उनके पास जाएं। इस एक तरीके से आप अपनी जिंदगी को खो रहे होते हैं, एक और जरिए से भी आप अपनी जान को खो सकते हैं। अपने बारे में सोचते रहने की बजाय आप दूसरे लोगों के खादम बनिए। हमेशा उनके बारे में सोचने की जरूरत है कि मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूँ, उनको किन चीजों की जरूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो अपनी जान खोएंगे। मेरे कहने से मुराद ऐसा करना आपके लिए आसान नहीं होगा, बड़े आराम से ऐसा नहीं हो जाएगा। अपनी जान को खोने का और मेरी जिंदगी में कोई भी खुशी और अमन नहीं है। My sins weigh me down. और मेरे गुनाहों ने मुझे दबा कर रख दिया है। I want to be a new person. और आज मैं नई मखलूक बन जाना चाहता हूँ। I want to be born again. और मैं आज नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करना चाहता हूँ। I know that you died for my sins. और मैं ये जानता हूँ कि यीशु मसीह तू मेरी गुनाहों की खातिर हुआ। So I don't have to pay the price for those sins. और इसलिए उन गुनाहों के लिए मुझे किसी कीमत को चुकाने की जरूरत नहीं है। Oh Jesus, forgive me. और यीशु मसीह मुझे माफ कर दे। You died for my sins. तू मेरे गुनाहों की खातिर हुआ। You gave your life for me. और तूने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी। आंखें बंद रखे प्लीज। Come into my heart right now. आई खुदा यीशु मसीह अभी इसी वक्त मेरी जिंदगी में आ। I give you my life. मैं आज अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। Use my life, Jesus. आई खुदा यीशु मसीह मेरी जिंदगी को इस्तेमाल कर। Let me serve you. और मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दे फरमा। With all of my heart. पूरे दिलो जान से। With everything I have. और उन सब चीजों से जो मेरे पास हैं। Let me deny myself, take up my cross and follow you. और आज मुझे अपनी खुदी का इनकार करने दे, अपनी स्लीप उठाए दे और तेरे पीछे मैं आज चलना चाहता हूँ। All the days of my life. और मैं अपनी जिंदगी के सारे दिनों में तेरी पैरवी करना चाहता हूँ। If you mean this prayer with all of your heart, raise your hand right now. और अगर आप समझते हैं कि इस दुआ से आज आप निजात पाएंगे, आज मसीह आपकी जिंदगी में दाखिल होगा, अपने हाथों को बुलंद करें। वो बहनों भाई जो अपने कदमों खड़े हैं, अपने हाथों को बुलंद कर लें। हालेलुया। इकरार हमेशा हाथ उठा कर किया जाता है, बुलंद कर किया जाता है। Praise God.
خدا ان کا شکر ہے خدا ان کا شکر ہے So now let me pray a prayer over you. اب میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی وہ بہن اور بھائی جو اپنے قدموں پر کھڑے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیں پلیز Dear God, do you see all of these hands in the air? خدا کیا تو ان ہاتھوں کو جو آج بلند ہے انہیں دیکھتا ہے They love you, God. اے خدا یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں They love you, Jesus. وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں They want to walk with you. اور یہ آج سے تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں They want to tell people about how good you are. اور یہ دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تو کتنا مہربان ہے And I ask you right now to let the Holy Spirit fall on these people. اور اے خدا میں انتجا کرتے ہوں کہ روح قدس ابھی ان لوگوں پر جو ہے وہ نازل ہو جائے یسوع کے نام سے to be completely new and different people. اور انہیں آج سے مکمل نئی مخلوق بنا دے never the same ever again. اور یہ پہلے جیسے کبھی نہ رہیں teach them how to walk with you every day Lord. اور انہیں بتا کہ یہ کس طرح روزانہ تیرے ساتھ چل سکیں pour out blessings on their lives. اے خدا اپنی برکات ان کی زندگیوں میں ڈھیر دے let them have peace in their lives. ان کی زندگیوں میں امن اور سکون آ جائے let them have joy in their lives. اور ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں Let them care about other people more than themselves. And give each one of them something to do for you. And I pray this prayer in the name of Jesus Christ. اور یہ سب کچھ مانگتی ہوں میں خدا ان یسوع مسیح کے عظیم عبر کے نام سے Who loves you with an everlasting love. جو ہمیشہ آپ سے ابدی محبت رکھتا ہے Nothing you can ever do will take his love from you. اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ سے خدا کی محبت کو چھین نہیں سکتی He is now your Lord and your Savior. اور وہ آج آپ کا خدا اور آپ کا نجات دہندہ ہے And the angels in heaven are singing and dancing right now because you asked Jesus into your life. اور آج آسمان پر ہزاروں فرشتے آپ کے لیے خوشی منا رہے ہیں کیونکہ آج آپ نے اپنی زندگی خدا کو دے دی آمین 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 آج زوردار تالیاں بجائیں خدا کی مسیح کے لیے آمین آمین خدا کا شکر ہے